बच्चे मस्जिद जाएंगे ना छोटे बच्चे मंदिर जाएंगे। हम स्कूल में उनकी दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे। मदरसे में मंदिर की ये दलील किसी आम शख्स की तरफ से नहीं है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी का मानना है कि मदरसे में मंदिर बन जाए तो मजहबी ताने बाने को मजबूती मिलेगी। बच्चे मस्जिद जाएंगे ना छोटे बच्चे मंदिर जाएंगे। हम स्कूल में उनकी दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे ताकि वो महफूज रहे और किसी खतरे का शिकार ना बन सके। दूसरे ये कि इससे एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि देखिए हर मजहब जो है वो इंसानियत का पैगाम देता है। सलमा अंसारी अलीगढ़ के एक मदरसे का संचालन करती है। यह मदरसा थोड़ा अलग हटकर है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू दोनों तबके के बच्चे पढ़ते हैं। मदरसे के खर्चे का एक हिस्सा हिंदुओं के डोनेशन से पूरा होता है। शायद यही वजह है कि सलमा अंसारी स्कूल कैंपस में ही पूजा और नमाज साथ साथ करने की दलील दे रही है। लेकिन सलमा अंसारी की यह दलील मजहबी नेताओं को पसंद नहीं आई। मदरसे में मंदिर बनाकर वो एक नया विवाद पैदा करेंगी और इन कट्टरपंथी लोगों को एक नया मुद्दा देंगी और वो फिर कट्टरपंथी हर मदरसे के अंदर यही कहेंगे कि जब सलमा अंसारी की मदरसे में मंदिर है तो हर मदरसे के अंदर मंदिर होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल मैं उनके इस फैसले को खारिज करता हूं कि ये फैसला उनका सही नहीं है। खुद सलमा अंसारी को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि 2019 के भारत में पूजा इबादत साथ साथ करने की दलील जल्दी गंवारा नहीं हो पाएगी। पूर्व उपराष्ट्रपति की पत्नी के तर्क पर मुस्लिम नेता आग बबूला हो गए तो बीजेपी ने बिना वक्त गवाए हामी भर दी। ये बहुत अच्छी बात है, उनका विशाल हृदय का परिचय दे रही हैं वो। मदरसे में अगर स्थापना मंदिर की जा रही है तो उनके विशाल हृदयता का परिचय भी है ये, और साथ ही एक संदेश देश में जाएगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति पूर्व की वो पत्नी है, इसलिए बड़ा व्यक्तित्व उनका है, इससे पूरे देश में अच्छा समाचार जाएगा। तो अलीगढ़ में एक नई वैचारिक बहस शुरू हो गई है। मंदिर मस्जिद के एक ही कैंपस में मौजूदगी के सवाल पर नया बवाल शुरू हो गया है। यह कदम मजहबी एकता को मजबूती दे सकती है लेकिन यह मंजूर होगा इस पर शक है।